हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय वली। दोस्तों, आज का वीडियो है होम डेकोर हॉल वीडियो, और बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके साथ होम डेकोर हॉल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं मॉल गई थी और उधर से काफ़ी सारे शॉप से मैंने कुछ चीज़ें परचेज किया है। तो ऑब्वियसली हॉल बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, अच्छे से दिखाना बनता है। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज टेक अ मोमेंट एंड हिट द रेड सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद जो मेरे बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, सो दैट यू कैन सी माय वीडियो व्हेनेवर आई अपलोड इन द यूट्यूब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट 99, उधर से मैंने क्या क्या परचेस किया है। मार्केट 99 से मैंने परचेस किया है ये दोनों ट्रे। दिस इज एक्चुअली ये छोटा वाला ट्रे आप देख सकते हो, जो हम सॉस या तो कुछ मसाला वगैरह हम भज्जी के साथ लेते हैं ना, उस टाइम पे सर्व करने के टाइम पे ये बहुत काम का आता है। तो मैंने ये दोनों लिया है और इसका प्राइस है 39 रुपीज़ ईच। और ये जो डिज़ाइन देख सकते हो, इससे भी और भी वैरायटी डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, तो मैंने बस दो ही लिया है। और ऐसा ही हमने होम सेंटर होम टाउन पे भी देखा था, विच वॉज वे टू कॉस्टली, और उसमें आपको मिनिमम 2 का पेयर या तो 4 का पेयर ऐसा लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये अपने पसंद के हिसाब से आप एक एक करके ले सकते हो और काफ़ी सस्ता भी है। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस स्टोरेज बॉक्सेस, ये है सेट ऑफ फोर नहीं, आप एक भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 4 लिया है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये है बॉक्स, इसमें ऐसे हैंडल्स है, और ये आप फ्रिज ऑर्गेनाइज़र और नहीं तो आपका जो किचन का ड्रायर है उधर भी आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो। ये बहुत काम का चीज़ है, मैंने इससे पहले भी ऑलरेडी लिया था 3, तो ये और भी 4 मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। एंड इसका जो प्राइस है ₹69 ईच, तो काफ़ी सस्ता है। और ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी है, मैं नहीं कहूँगी बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, लेकिन ओके यार, मतलब हर एक चीज़ के लिए इतना हाई क्वालिटी प्लास्टिक आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओके ये काम अच्छे से काम चल जाएगा, इतना हेवी कुछ भी हमें नहीं रखना है तो काम चल जाएगा। तो मैंने ऐसे 4 बॉक्सेस लिया है। एंड नेक्स्ट परचेज फ्रॉम मार्केट 99 इज़ दिस वन, दिस इज़ कॉटन का बॉक्स, ये एक्चुअली मिट्टी का है, ये दिखने में कुछ ऐसा है, इसमें कॉटन लिखा हुआ है, ऐसे लीड है, जैसे वो सॉल्ट का जो होता है ना बर्तन जैसे, वैसा ही है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और ये एक्चुअली 399 रुपीज़ का था, लेकिन अभी ऑफ़र में मुझे 299 रुपीज़ में मिला है, तो काफ़ी सस्ता भी है। नेक्स्ट मैंने परचेस किया है डिश, ये है मेलामाइन का डिश, ये मैंने सेट ऑफ 4 लिया था, 2 हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और ये दोनों मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए मैंने रख दिया है। एंड जस्ट सी द प्रिंट, इट्स सो ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट, एंड इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो प्राइस है ₹179 ईच, और ये मेलामाइन का जो प्लेट है मुझे मार्केट 99 भी मिला था, और उधर भी प्राइस और भी कम था, मतलब आई थिंक 80 रुपीज़ और 99 रुपीज़ में मिल रहा था, लेकिन ये वाला जो है ना थोड़ा सा थिक मटेरियल है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने ये दोनों लिया है होम सेंटर से। होम टाउन में भी मुझे मिला था, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था और क्वालिटी भी काफ़ी हाई था। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस फ्रूट बास्केट, जिनका पैकेजिंग मैंने अभी तक निकाला नहीं है, पहले इसका पैकेजिंग निकालते हैं। तो दिस इज़ द फ्रूट बास्केट, जो दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत क्लासी है, गोल्डन कलर का है, देख सकते हो गोल्डन फिनिश, और दिस इज़ 2 स्टोरेड फ्रूट रैक। तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, मुझे ऑनलाइन अमेज़न पे भी मिला था, लेकिन उसका प्राइस कुछ 1000 के करीब था, और ये मुझे 995 में मिला है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये काफ़ी स्टेडी है, काफ़ी हेवी भी है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा मेरे किचन में। तो इसका MRP है एक्चुअली 995, लेकिन मुझे ये 40% डिस्काउंट में मिला है, सो 600 अराउंड मुझे मिला है, एंड 600 में तो ये काफ़ी अच्छा डील है, और ये मैंने लिया है होम टाउन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने परचेस किया है एक शू रैक फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट में हम बहुत शू रैक देखे थे, उसके बाद ये वाला मुझे पसंद आया है, और तो
एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये शू रैक का अनबॉक्सिंग से। तो चलो अनबॉक्सिंग देख लो और उसके बाद शू रैक कैसे दिखता है वो भी देख लो। सो दिस इज द कार्टन, ये ऐसे पैक होके आया है, पूरा वुडन पैकेजिंग और वुडन क्रेट्स है, उसके अंदर है कार्डबोर्ड पैकेजिंग। हाँ बेबी, ये निकालना कैसे, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा वाला पैकेजिंग बेबी। हाँ नहीं, ये वाला और ये वाला अगर निकालोगे तो उल्टा करके आप ये क्रेट बाहर निकाल सकते हो। ये जॉइंट कैसे है, हुक वाली की है, ये खट 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 करके मशीन मारता है, वैसा वाला की है सारा। तो साहब एकदम अंदर की चला गया ये, चला तो गया, हम निकालेंगे कैसे, मेरी बाहुबली नीचे से लेके आया है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ से खत्म। हाथ में लग जाएगा, समझ में सब कुछ काटने के लिए ये सब चाहिए, कुछ ज्यादा ही सॉलिड बैकिंग है। एक काम करो, मैं आपको इसके ऊपर गिरा देती हूँ तो ये ऑटोमेटिक टूट जाएगा। मुंह बंद करने का कितना लोगी है? पिछली बार भी पैकेट खोला ऐसे बता रही है जैसे मैंने जिंदगी में कभी कोई बॉक्स खोला नहीं है। मंदिर खोल रहे बेबी, आप ऐसे काटो बेबी, ये खोलो बेबी, वो करो ये करो, मैं कर रहा हूँ। आप कर नहीं कर रहे हो ना, आप ठीक से, आपको आपसे नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं बोलूँ, मैं आपको इधर गिरा देती हूँ। कैमरा पकड़ता हूँ या मेरे को खोलने दो, वो बंद रखो। मैं कैमरा बहुत अच्छा पकड़ती हूँ इसलिए मेरे पास कैमरा है। हाँ तो, और कैमरा पकड़ने वाले को मुंह बंद रखना चाहिए ताकि सामने वाले की वीडियो आवाज आए। पास परोस सब आ जाएंगे। ये तो बीच में 3 कीले लगी हुई है। बेबी केयरफुल, भैयो निकालना है ना? नहीं निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो उधर देखते हैं। हाँ वो साइड वाला निकालना पड़ेगा, नहीं तो बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। हे भगवान, ये भी निकालेंगे इतना? दो इसको, ये जल्दी निकलेगा, छोड़ा। मेरी अंदर का चीज सही है ना? ठीक है? हाँ अभी ये आएगा बाहर। इसको उतारने में धीरे, भाई साहब। ओ बेबी, पैकिंग क्लिप करने सॉलिड दिखा, सामान जैसा भी निकले। अभी देखते हैं भाई, पैकिंग का तो कोई जवाब नहीं है ना, इसका ख्याल रखते हुए प्रोडक्ट का पता नहीं कैसा होगा। ये नीचे करो। हाँ ओ बिल्कुल वैसे ही चला आया, हमें कुछ असेंबल नहीं करना है। ओ बेबी, इसके ऊपर कुशन भी है बेबी। यस पहले दिखाता हूँ, पहले लेट मी ओपन। यस इधर भी बहुत सारा टेप है। टेप तो फिर भी ठीक है,
लेकिन ये जो चीज था ना भाई साहब, बेबी अगर इन केस हमें रिटर्न करना पड़ा, कैन यू मेक इट अगेन पैकिंग? इसीलिए तो मैंने दो खोले, इसमें ये सीधा उस डिब्बे में डुबा गया, सीधा ऐसे डुबा गया। सामान अच्छा अगर हो तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट लेट्स सी। ओह माय गॉड बेबी, अभी तोड़ फोड़ दो। नहीं नहीं, यू नीड टू डू लेट्स प्ले अ लिटिल बिट, ठीक हो जाएगा। ये बबल रैप के अंदर भी एक और है ना स्पंज का पेपर, ये तो पूरा वाइट है बेबी। आपको वाइट वाइट चाहिए ना? वाह, लेकिन बहुत गंदा हो जाएगा। Now I'm not वो बारिश का कीचड़ वगैरह वैसे आप पैरों में जूते में लाके इसमें नहीं डाल सकते बेबी। But it looks so beautiful, baby. अभी इसके साथ बड़ा वाला लेंगे तो वाइट ही चाहिए हमें। ओ अच्छा, ड्रॉयर नहीं है ये, ऐसे स्टोरेज है। बेबी मैंने सोचा था ये ड्रॉयर है बेबी। ड्रॉयर हो तो अच्छा था, सॉक्स वगैरह हम इधर ऑर्गेनाइज करके रख सकते थे। ड्रॉयर नहीं है तो रिटर्न कर दे। नहीं, आई लव इट। ओ हाँ, ये कितना सॉफ्ट है। इसे करके आप सॉक्स ले लेना बस, और क्या सॉक्स है। भी तो ये है हमारा जो शू रैक, तो इसमें बैठने का जगह है, बहुत अच्छे से आराम से आप बैठ सकते हो। और इसके नीचे स्टोरेज है जहाँ पे आप अपना सॉक्स या तो फिर वो जो ब्रश वगैरह है वो स्टोर करके रख सकते हो। और ये है दोनों स्टोरेज जगह जहाँ पे आप मतलब डायरेक्ट अगर आपको बाहर जाना है तो आप डायरेक्टली आप ऐसे पैर डाल के आप जूता पहन के आप डायरेक्ट बाहर जा सकते हो, तो आपको वो जो डोर जो है ना वो ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इधर बेसिकली हमारा डेली वेयर का जो शूज है वो रहता है, और जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ऐसे करके पैर निकाल के मैं ये वाला चप्पल मैं पहन के जाती हूँ, तो ये वाला निकाल लेती हूँ। उसके बाद इधर बैठ के मैं आराम से इसको ऐसे लगा के ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, और जब ऑफिस से लौटती हूँ तो सिंपल आप बस इसको स्ट्रैप को निकाल के डायरेक्टली आप इधर ऐसे डाल सकते हो। तो ऐसे ओपन वाला रैक हमें चाहिए था जहाँ पे हम डायरेक्टली यू नो शूज पहन सकते हैं और डाल सकते हैं। और एक कवर्ड वाला शू रैक भी हमने ऑर्डर किया है, जो डोर वाला है वो थोड़ा बड़ा वाला हमने ऑर्डर किया है, जब आएगा तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा हॉल वीडियो, और बहुत सारे जगह से मैंने बहुत सारे चीज़ें खरीदा है, तो क्यूमुलेटिव हॉल वीडियो था। आई होप यू लाइक इट। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा हॉल वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा हॉल वीडियो आप देखना चाहते हो, आपको कैसा लगता है हॉल वीडियोस, ये सब प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ एक लाइक छोड़ के जाओ इस वीडियो को, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।